Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is Colombo Security Conclave, and it is very important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started with our topic. See why it is in news. Recently Colombo Security Conclave virtual conference ko organize kiya gaya National Investigation Agency of India ke dwara. Jo participants the unhone discuss kiye various challenges related to terrorism in their respective countries aur experiences ko share kiya in the prosecution of terrorism cases, strategies jo deal karengi foreign fighters ke sath aur countering the misuse of internet and social media. क्या है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव? देखो, जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है वो फॉर्म हुआ था 2011 में एज अ ट्राइलेटरल मैरिटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स. इसने वेलकम किया था मॉरिशस को एज अ फोर्थ मेंबर एट फिफ्थ मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. बांग्लादेश एंड सियाचिन अटेंडेड एज अ ऑब्जर्वर एंड हैव इन्वाइटेड टू ज्वाइन द ग्रुप. अगर हम इसके गोल की बात करें, जो फिफ्थ मीटिंग थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ यू नो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कुछ एरियाज ऑफ कोऑपरेशन सो दैट एनहांस किए जा सके और स्ट्रेंथन किया जा सके रीजनल सिक्योरिटी को इन द फॉलोइंग फाइव पिलर्स, जिसमें मैरिटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आता है, काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन आता है, कंबैटिंग ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम आता है, साइबर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, अदर देन दैट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ आता है. सिग्निफिकेंस की बात करते हैं. देखो, इसको जो है ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है उसको इंडिया के द्वारा एक तरह की आउटरीच देखी जाती है सो दैट इंडियन ओशन को जो है उस तक कॉपरेशन बनाया जा सके और सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को अटेन किया जा सके. नंबर वन सिग्निफिकेंस इज काउंटरिंग चाइना. जो CSC है वो रिस्ट्रिक्ट करेगी चाइना का इन्फ्लुएंस इन एन एरिया ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और रिड्यूस करेगी चाइना के फुटप्रिंट्स इन द मेंबर कंट्रीज. सेकेंड इज मैरिटाइम सिक्योरिटी. इंडिया की लार्ज कोस्ट लाइन है, दैट इज 7500 किलोमीटर, किसके अलॉन्ग? आइलैंड्स ऑफ स्ट्रैटेजिक चौक पॉइंट्स के अलॉन्ग, और ये मैरिटाइम सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करती है कंट्री के लिए, जिसमें यू नो कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल एक वाइटल रोल प्ले करता है. नेक्स्ट वी हैव ए सिनर्जी विद सागर विजन. जो ग्रुपिंग है वो इंडिया के विजन ऑफ सागर, जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन के साथ यू नो एक विजन एक्वायर करती है, और इंडिया जो है जैसे कि मेंबर है क्वाड ग्रुपिंग का भी उस तरीके से भी. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इमर्जिंग सब रीजनलिज्म. जो कमिंग टुगेदर है 6 इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज का, वो ये इंडिकेट करती है कि जो डेवलपमेंट है सब रीजनल का ऑन अ कॉमन मैरिटाइम और सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है इन अ वाइडर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एज वेल. अब इससे जुड़े चैलेंजेस की बात कर लेते हैं. इवन दो ये 6 कंट्रीज जो हैं अलाइन हुई है इंडियन ओशन रीजन में, ये एक अटेम्प्ट है यू नो जो हमारा CSC है उसको एक तरह का इंस्टीट्यूशन बनाने का सो दैट चाइना की इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके, और जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन है उनके फेट को यू नो मीटअप किया जा सके, जो कि एक तरह का फेलियर माना जाता है. वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं. देखो, हमें एक रीजनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है. जो इमेंस नीड है ना कोऑपरेशन की इंडियन ओशन रीजन में, वो राइजिंग नंबर ऑफ सिक्योरिटी एरियाज और अनसर्टनिटीज़ को रिड्यूस करेगी अगर हमारा कोऑपरेशन बढ़ जाएगा. तो एक तरह से ये जो CSC है वो सक्सीड हो सकती है अगर कॉमन स्ट्रैटेजिक विजन के तौर पर देखा जाए, और जो है चाइना के इन्फ्लुएंस को भी काउंटर किया जा सकता है, और जो प्रॉब्लम्स हैं नेबरिंग कंट्रीज़ में उनको सॉर्ट करके जो ये इंडियन ओशन रीजन में कंट्रीज़ हैं उनको एक ग्लोबल कॉमन जो उनका गोल है उसको अटेन करने की ज़रूरत है. सो गाइज, दैट वॉज ऑल. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आई YouTube चैनल SSP Success.